मैं मंजूर राही नेशनल न्यूज चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। फनकार चाहे किसी भी सिर्फ से ताल्लुक रखता हो, ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी अताए खुदाबंदी होती है जो एक मौजज़ा से कम नहीं। आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ रखते हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनका नाम है जनाब नईम गौरी साहब, खूबसूरत शायर, खूबसूरत कंपोजर, इसके अलावा बहुत अच्छे जर्नलिस्ट और अदीब है। ये एक हमगी शख्सियत है। आज इन्होंने हमें वक्त दिया, हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अच्छे गुलूकार भी है। जब गुनगुनाते या कंपोज करते हैं तो एक नई दुनिया में सुनने वाले को ले जाते हैं, क्योंकि ये शायर हैं। तो मैं आज उस्ताद इस साल दानिश का शेर इनकी नजर करता हूं। शेर है, ना सियो होठ ना ख्वाबों में सदा दो हमको, मसलहत का तकाजा है कि भुला दो हमको। आइए हम नईम गौरी साहब से मिलते हैं। मैं अपने प्रोग्राम फन और फनकार में जनाब नईम गौरी साहब आपको खुश आमदीद कहता हूं। मंजूर साहब, आपका और नेशनल न्यूज नामा का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस चैनल पे दावत दी और मैं आपके सामने। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, शायरी से शुरू करूँ, गुलूकारी से शुरू करूँ, तो मैं तो एक सोच पे पड़ गया। खैर, पहले आप मौसीकी के बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। आप किसके शागिर्द हैं, किस उस्ताद के शागिर्द हैं? मंजूर साहब, शागिर्दी तो पहले ही अगर ये है कि मैं अपने घर से, मेरा बड़ा भाई आजकल वो अमेरिका में, जावेद इरफान, वो बेसिकली तो वो उस्ताद गुलाम अली साहब के शागिर्द, फिदा हुसैन, वो उनके शागिर्द थे। और मैंने बेसिकली चूंकि उनसे ये सारा कुछ इंस्पायर होकर मैंने किया। गुलाम अली के बकायदा शागिर्द हुए फिदा हुसैन, फिदा हुसैन साहब। घर बंद आपने किससे किया, गुलाम अली से किया? ये मेरे भाई ने किया। आप उनके बाकायदगी से? मैंने जो गणबंद शागिर्दी, गणबंद शागिर्दी जो थी वो मेरी, चूंकि वो भी एक वाक्या है, मैं चूंकि हमारे शायर हैं महमूद शाह साहब जी, उन्होंने फादरासी के लिए एक लिखा था कुछ और मैं उसकी कंपोजिशन कर रहा था। कंपोजिशन के दौरान हमारे एक बहुत बड़ा नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन, सलामत अली खान साहब के जो उनके भाई, वो आए और मैं कंपोजिशन कर रहा हूँ और कंपोजिशन करते करते मैंने शुरू किया कि फादरासी की खिदमत को लाखों सलाम। अब मैं अभी ये कर ही रहा हूं तो थोड़ा सा रुक गया हूं तो मेरे पीछे एक आवाज आई, ऐसी जैसे हूं, तो मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो उस्ताद जाकर मेरे पीछे खड़े। और ये वो वाक्या है जिन्होंने मुझे इस चीज पे मजबूर किया कि मैं उस्ताद जाकर अली खान साहब को कहूं कि वो मेरे आज से उस्ताद हैं। हाँ जी, मैंने उन्हें अपना उस्ताद तस्लीम कर लिया। हालांकि मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं, मैं उस्ताद परवेज मेहदी साहब को जो बचपन से मैं उन्हें मतलब अपना उस्ताद समझ, काम करने वाला हो, अच्छा सुनैया हो, मौसीकी को पसंद करता हो, मौसीकी लिस्नर हो, वो सभी उसको अच्छे लगते हैं, लेकिन एक दो पे तो वो टिका रहता है, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे गुलूकार हो। हाँ जी, क्या कह रहा है? बिल्कुल, चूंकि अब देखे ना, मैं जब बहुत छोटे होते की बात है, 86 के दौर की मैं बात करता हूँ, तो उस दौर के अंदर जब परवेज मेहदी साहब का वो जो एक पुराना गीत, क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों ने गाया, गुलाम अली ने गाया, अफशान ने गाया और भी लोगों ने, पंजाबी का गीत है। हाँ जी,
तक पत्री वाले लेख मेरे थोड़ा सा गुनगुनाकर हो जाए। 30-35 साल हो गया छोड़े हुए, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उसको रिवाइव किया जाए। तक पत्री वाले लेख मेरे, तक पत्री वाले लेख मेरे, मेरे हाथ विच लिखाने, मेरे दिल दा महरम आवेगा, मेरे दिल दा महरम आवेगा, या हाली और तरीकाने, तक पत्री वाले। तो ये आज भी क्या बात है, वही ताजा कलाम है, वही ताजा आवाज है, आज भी कुछ सुनते गजल है, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, वो भी परवेश बेदी ने गाई। क्या बात, क्या बात, ये अय्यूब खाबर के शेर है, कव्वाल गाते हैं परवेश बेदी। बहुत अच्छे उस्ताद लोग, गुलूकार जो हमेशा जिंदा रहे, बिल्कुल जिंदा रहने वाले लोग। आप ये बताइए, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आला तालीम कहाँ से हासिल की? मेरी इब्तदाई तालीम जो थी वो सियालकोट जाम के चीमा बोर्डिंग से, और उसके बाद मैंने कुछ अरसा जो था वो माइनर सेमिनरी लाहौर में गुजारा। अच्छा, सेमिनरी में भी गए आप? और उसके बाद मैंने जो पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की, ठीक है, उसके बाद मेरा जो कंप्यूटर एजुकेशन में था वो मैंने मास्टर कंप्यूटर साइंसेस किया था, लेकिन वो चूंकि था यहाँ पे, लेकिन उसकी जो ब्रांच थी वो मेन थी लंदन से, लेकिन दयाज कंप्यूटर कॉलेज उस वक्त यहाँ पे होता था, वो मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेस मेरा था। मतलब सहाफत में कि प्रिंटेड मीडिया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप दोनों में अच्छी तालीम हासिल कर चुके हैं, क्या ख्याल है? मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बात है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है एक इस वक्त पूरी दुनिया में छाया, ये मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में छाया, इसके बगैर कुछ भी नहीं है जी। और उसमें सोशल मीडिया भी है, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। गो के जो प्रिंट मीडिया की अफादियत है वो आज से 10 साल के बाद भी कायम है, जो कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो एक खबर चली है 10 मिनट के बाद आधे घंटे के बाद नई चीज आ जाती है, नई चीज आ जाती, लेकिन प्रिंट मीडिया जो है बिल्कुल आप उसको आप किसी वक्त भी निकाल के 10 साल पुरानी अखबार भी निकाल के देखें आपके सामने वो सामने आ जाती है, जबकि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर मौजूद होता है, ये भी रिकॉर्ड होता है, लेकिन चूंकि इतना डेटा स्पेस नहीं होती तो इसलिए उसकी जगह दूसरों को रख लिया जाता है। जो रुझान है, जो एक तरफ हर चीज बदल रही है उसका भी बड़ा ख्याल करें, एक सेकंड में काफी चीजें आ जाती है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल कर लेता है एक लम्हे के बाद, एक लम्हे के मंजूर साहब जो फर्क चीज आ जाती है। आप अच्छे शायर, आप अच्छे गायक भी हैं, गजल भी कहते हैं, आप ज्यादा गीत को पसंद करते हैं शायरी में या गजल को? शायरी के लिहाज से ये है कि शायरी होती है एनवायरमेंट को देख के, एनवायरमेंट आपको इंस्पायर करती है कि आपने क्या आप कहना है, कैफियत जिसे कहते हैं, कैफियत जो होती है बजा कर शायरी, या आपने नसर भी अगर लिखते हैं तो कुछ चीजें इमेजिनरी होती हैं, लेकिन जो बहुत सारी ऐसी चीजें जो इमेजिनेशन से बाहर होती है। मैं दोनों चीजों को देखता हूँ, मैं इसको ये कहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं एक्सीडेंटली होते हैं, मैं एक्सीडेंटली नहीं, आप बताएं गजल में और गीत में, मैं मुझे दोनों चीजें पसंद है, जो गजल भी है और गीत भी है। अच्छा, बात ये है कि पंजाबी गीत गारी और उर्दू गीत गारी, लेकिन मैंने आज यहाँ पंजाबी का भी जिक्र कर लू, बड़ी दोनों शख्सियत है, अमरता प्रीतम की है नवी रुत जी, क्या उसकी गीत है, फिर आप इधर आ जाए हमारे अहमद राई की तिरंजन है, उसके बाद कोई बहुत सी शायरी पे किताबी हुई, लेकिन यार ये दस्तावेज और सनद है, मुस्तंद चीज है, ये दो चीजें, इसमें बहुत सी गीत निकाली निकलती है। मैं मंजूर साहब आपकी बात को बढ़ाऊंगा, हमारे एक शायर थे
अनवर सज्जाद अनवर जी सर, पंजाबी के हवाले से मैं आज भी उन्हें याद करता हूँ कि एक शेर उनका बड़ा अच्छा, जो कि इंडिया के अंदर उनकी किताबें जो हैं वो सिलेबस के अंदर है जी जी। और उनका एक शेर है, कौन सी यूनिवर्सिटी में उनकी किताबें हैं? वहां पे इंडिया के अंदर, इंडिया में कौन सी जगह है वहां पे जो उनकी पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाबी, मुझे कुछ एग्जैक्ट याद नहीं कि मैं ऐसे ही उसके पे कौन, लेकिन मुझे इतना पता है जब वो हयात थे, ये मेरी उस वक्त उनसे बात हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और भी हैं जो गीत लिखते हैं, जो शायर राशिद से लेके आप नजीर कैसर आ जाए, तमाम गीत लिख रहे हैं, बहुत अलग अलग गीत, बहुत अलग अलग। लेकिन मैं आज बैठे आपके साथ सीटिंग करते, दो नाम मेरे जेहन में आ गए, या तिलिजन पढ़ता हूँ तो उसमें भी ज्यादा गीत की गाली फिल्मी तर्जे बनी है, बिल्कुल। और नवी रूप में भी जो अमरता ने काम किया, गोकरा अमरता बड़ी अच्छी अफसाना निकाल, बिल्कुल। मैं उसका खावन अमरोज बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट था, और देखिए कैसी जिंदगी बीती, ये भी आज लम्हात में उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं आपके तवासुल से, बिल्कुल। मैं हमारे अपने एक और शायर हैं नवीद शमसा, उनका एक वो लिखा हुआ है, सचियां गल्लां केंदा रे सूली चढ़ दुख सेंदा रे। हाँ अच्छी शेर, क्या बात है, आप तो साया जी नहीं लभदा कोई धुप दी छावे बेंदा रे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फैमिली में भी बाप से बात हो रही, मौसीकी एक रिदम है, बिल्कुल, और जिंदगी भी रिदम के साथ गुजर रही है आपकी हम सबकी। और देखें कि तरन्नुम आवाज का सोज इंसान को किसी और जहां में ले जाता है जब मौसीकी तारी होती है सुनने वाले के लिए, गाने वाले के लिए। ये है वजूद कायनात का मुजज़ा और हुसन, बिल्कुल। ये है फन, ये है फन पारा कमाल, जिसे जो आप लोग तख्लीक करते हैं हमारे लिए। सहाफत में आपने किन किन अखबारात और रसाइल और जराइद में काम किया? सहाफत में मैंने मंजूर साहब आज से कोई तकरीबन 30 साल पहले मैंने लिखना शुरू किया था, और उस दौर में तकरीबन अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं 1999 में मेरा पहला जो कॉलम छपा था वो रोजनामा पाकिस्तान में छपा था, और उस वक्त चूंकि मुल्क के अंदर हर जगह जो हुकूमत थी, वक्त हुकूमत, वो हर चीज पे टैक्स लगा रही थी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार हर चीज पे टैक्स लगा रहे हो तो एक बच्चा टैक्स भी लगा दो ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर चाइना के अंदर ये हो सकता है और दूसरे ममालिक में हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? ये तंजो मजा पे था आपका मजमून? नहीं, तंजो मजा नहीं था, ये एक हकीकत पे था। तंजो मजा पे भी हकीकत बयान होती है, मतलब ये कहने का मतलब है। देखिए तंजो मजा अगर आप करते हैं तो वो भी ठीक है, अगर कुछ लोगों को तंजो मजा की भी नहीं समझ आती, ठीक है, मजमून तो मजमून होता है, कारी ने कर ले, तंजो मजा में आ रहा है, ये फिक्री है, अच्छा फिक्री है, जिसमें सहाफी से ज्यादा आप मुतासर थे। मैं अगर सहाफत की बात करूं तो बहुत सारे आजकल के जो सहाफी हैं, मतलब पहले एक नाम सुनते होते थे कि जी जर्द सहाफत होती है, उस वक्त के दौर में जुबैर राणा होते थे, ठीक है, फिर उसके बाद उन्हीं के पैरेलल बहुत सारे और लोग आ रहे थे, लेकिन इसके साथ बहुत सारे और नाम हैं, जैसे आजकल हसन निसार हैं, ठीक है, लोग पढ़ते हैं फिर बात करते हैं, तारीख पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो पढ़ते नहीं है। हसन निसार साफी भी हैं, सजिया ने निगार बहुत ज्यादा है, कॉलम बहुत अच्छा लिखते हैं, खैर ठीक आपने बात की, और किसका अखबार से ज्यादा आप मुतासर थे? मैं उस वक्त से अगर आप देखूं तो मैं एक अंग्रेजी अखबार, आज भी वो चलता, डॉन था, डॉन आज भी चल रहा, ठीक है, डॉन से, और उर्दू अखबारों में उस वक्त एक अखबार चलता था अमरोज अखबार, आपके आवाज बहुत नाम है, ठीक है, अमरोज अखबार था। अभी आप बात कर रहे थे सहाफत की, और जर्द सहाफत से थोड़ा सा डिफाइन कर दे हमें भी, हमारे नाज़रीन को। देखिए जर्द सहाफत आज भी, जर्द सहाफत आज भी है,
देखिए मैं बेसिकली सहाफत का काम क्या है, सहाफत का काम है एक बुराई को सामने लेके आना, ठीक है। बहुत सारे लोग आज भी बुराई को लाते हैं, सामने लाते हैं, लेकिन अंडर द टेबल कुछ और करते हैं। वो क्या अंडर द टेबल? वही जो जिसको आज हम लफाफा सहाफी कहते हैं, जो लफाफा सहाफत है उसे हम जर्द सहाफत, वही जर्द सहाफत। अच्छा, अच्छा, मुझे नहीं लगता। नहीं जी, आपको क्यों नहीं इल्म? आप तो हमारे उस्तादों में शामिल हैं। नहीं 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 भाई, नहीं, आप तो बहुत उस्तादों में शामिल हैं। देखिए ये जो चीज है, हकीकत कहना जो है, देखिए बहुत सारे जो सहाफी, मैं सहाफत को ये समझता हूँ कि सहाफी किसी की पार्टी बाजी में नहीं आता। वाह वाह, ये मैसेज आज, ये आपने बड़ी बात की, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और सहाफत क्या है बेसिकली, जो मैं समझता हूँ सहाफत जो निकली है एक सहीफे से निकली, और सहीफा जो है सहीफा हर एक पे उतरता नहीं है। वाह वाह वाह, नहीं भाई कमाल की बात की है, सहीफा किसी पे उतरता नहीं है, हर एक पे नहीं। सहाफी होते हैं उनकी सोच भी लैदा होती है, उनकी सोच भी लैदा है कि वो जर्द सहाफी ना हो। वही है ना, वो जर्द सहाफत तो फिर आपको मुआशरे में आपका पेट बना देता है। अब आप बताएं आप कौन सा अखबार चला रहे हैं आजकल? मैं अच्छी बातें आपने की है, मुझे खुशी हो रही है। आपका शुक्रिया, आपको अच्छी लगी है। नहीं, बात ही अच्छी है, जो अच्छी है आपको पता है। वो बहुत सारे अखबारों में, रसालों में काम किया, लेकिन मैं अरसा तकरीबन 15 साल से रोजनामा कुंदन को एज एडिटर चला रहा हूँ। और वो क्वेटा से चलता था, फिर उसके बाद अब लाहौर में और इस्लामाबाद में, तीनों जगह पे वो चल रहा है। बड़ी हिम्मत है जी आप चला रहे हैं, इस दौर में अखबार चलाना कोई छोटी बात नहीं। लाशें को अपने कंधे पे लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल मंजूर साहब, मैं थोड़ा सा इसका जो जी जी अखबार के हवाले से बता दूं कि जब मैंने इसे शुरू किया था लाहौर के अंदर, तो मैं खुद इसको प्रिंट करवाता था, उसकी कंपोजिंग करवाता था प्रेस से लेकर, फिर लोगों को घर में जा जाकर डिस्ट्रीब्यूट भी करता था। मुझे पता। और एक दिन जिस एरिया में मैं वो अखबार फेंक रहा था, मेरे से पहले वहां पे आवाज वाला फेंकता था, और उस दिन वो आवाज वाले ने मुझे कहा कि यार हमारी अखबार लेट है तो अपनी अखबार मुझे दे दो, तो मैंने उसे दे दिया और उसने वो वाली फेंकी। अगले दिनों उसने कहा कि यार वही लोग मेरे से वो जो रोजनामा कुंदन मांग रहे हैं, क्योंकि वो लेट हो गया था। आप शायरी की तरफ आ जाए, शायरी मजमुआ कब तक मंजरेआम पे आप ला रहे हैं? शायरी के हवाले से जो है वो बहुत जल्दी लोगों तक लाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि मैंने उर्दू में, पंजाबी में, बिल्कुल ठीक है, दोनों चीजों में काम किया हुआ है। और उसमें जैसे मतलब हमारे जो मसीही हैं गीत, वो भी मैंने लिखे हुए हैं, चूंकि बहुत सारे जो गीत हैं वो लिखे हुए हैं, चूंकि जैसे कि आजकल वो रोजों का सिलसिला चल रहा है, ठीक है। और जरा बता देंगे कि तमाम बड़े संगीत में आप किस मौसीकार से ज्यादा मुतासर हुए, क्योंकि आप खुद भी कंपोजिंग करते हैं, गाते भी हैं, शायरी भी करते हैं, ये जरा बताएं जॉन साहब को मन पसंद हो पाकिस्तान इंडिया में। किसी कंपोजर के हवाले से मैं सिर्फ इतना सा कहता हूँ कि नाम तो बहुत सारे हैं। हाँ, जो आपके मन की बात, बहुत सारे नाम हैं, मन की बात है। लेकिन ऐसी ऐसी कंपोजिशन मैं हैरान होता हूँ कि समटाइम मैं सोया होता हूँ और मेरे कान में वो आवाज पड़ती है तो मैं उठ जाता हूँ। जी जी, कौन ये कंपोजिशन? हमारे एक कंपोजर थे नजर हुसैन, कराची वाले, कराची वाले, बहुत बड़ा नाम लिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद थे यहाँ पे हमारे लाहौर रेडियो पे थे वजीर अफजल, वजीर अफजल फिल्म में भी है, ठीक है, जाने बहुत फेम है। चूंकि मैंने जब मेरी मुलाकात रेडियो पे हुई थी वजीर अफजल साहब से, मैं बेसिकली जब गया रेडियो पे इंटरव्यू देने के लिए, ऑडिशन देने के लिए, तो वहां पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अपना ऑडिशन दे रहा हूँ, तो वजीर अफजल साहब पीछे कमरे में बैठे सुन रहे थे, रिकॉर्डिंग रूम में सुन रहे थे। तो वो उन्होंने उठ के बाहर आए और मुझे कहने लगे कि यार देखो आप ऑडिशन देने आए हो, हमारे पास मेहदी हसन मौजूद है, परवेज मेहदी मौजूद है, ये सारे लोग मौजूद हैं, अगर आपने यहाँ पे आना है तो कोई हम अपनी कंपोजिशन लेकर। और उस वक्त मैंने अपनी कंपोजिशन थी
आपने वो गीत सुना होगा, गजल जो है, हंस के बोला करो बुलाया करो। और फिर मैंने अपनी कंपोजिशन वहां पे दी जिसे कि उन्होंने रिकॉर्ड किया। फिर मेरा एक गीत है जो तराना भी है उसको, कि गीत वतन दे गाओ सजना गीत वतन दे गा, ये फिर मेरा उन्होंने रिकॉर्ड किया रेडियो स्टेशन पे बजा कर। इसका मतलब ये हुआ कि नजर हुसैन के बाद आप वजीर अफजल को अपना, बहुत सारे और भी बहुत है, दिल को पसंद कर, दिल को पसंद तो कर, वजीर अफजल की कुछ धुने पंजाबी में भी है, फिल्म दिलदा जानी में क्या बात है उसकी, दिलदा जानी बड़ी फेम थी अभी बार नीलों की फिल्म, अब आज लोग आज भी उसके गीत गाते हैं। तो ये बातें तो आपसे हुई, लेकिन गौरी साहब जरूरी नहीं हर फिल्म में कोई दस्तावेज हो, हमें ये सोचना चाहिए जो हम दस्तावेज तख्लीक करके अपने कारी को या अपने आवाम को देना चाहते क्या वो दस्तावेज है। बिल्कुल है, जैसे हम शायरी में किताबी उसके जहामत को दे देते हैं, आया किताब में कुछ है, ऐसे पेंटिंग्स लगा लें, ऐसे मौसीकी के सुरे बिताले बिटार सुर भी लगे हुए तो सुन देते हैं, खूबसूरत लगता है। तो कुछ ऐसे होते हैं आवाज इधर और साज इधर होता है, ये नहीं, ये दस्तावेजी नहीं है। मैंने कहने का मतलब है कि दस्तावेज होनी चाहिए, यही फन पारा है। बिल्कुल, इसके अलावा दूसरा फन पारा हमने एक्सेप्ट करते हैं, लोग कहते हैं कि यार दिखावा या आर्टिफिशियल, ये दस्तावेज नहीं है यार, ना ये फनकार मैं इसको कहता हूँ। आपने ये बड़ी अच्छी बातें की, तो फिर कम्युनिटी में अच्छे शायर अदीब का भी कुछ बता दे जाते जाते। कम्युनिटी के अंदर मंजू साहब बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत से लोग, मैं आपको बताता हूँ कि अफसाना निगारी के अंदर मतलब दो तीन नाम है जिसके अंदर ये है कि आपका नाम सरफरिश्त है। ये नहीं, 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 ये कोई मुबालगा नहीं है, नहीं। आप तो हैं, आसनाद कमल हैं, फिर जावेद याद हैं, ठीक है, जो शायर भी हैं, याद का सफरनामा है, सफरनामा है उनका, अफसाना नहीं है लेकिन सफरनामा है उनका, ठीक है, वो है हमसे। और नहीं 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 नहीं, फिर उसके बाद शायर हैं, ठीक है, जैसे नजीर कैसर हैं, ठीक है, जावेद आफ्ताब है, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जिनका मतलब जिक्र। ये कुछ लोग कहेंगे कि मंजूर भाई क्या बात कर रहा है, जावेद आफ्ताब एक शायर होने के साथ साथ वो जो उसने ज्ञान दिया ना, या मबालगे से हटकर बात कर रहा हूँ, तो वो कमाल काम कर गया। हाँ जी, हाँ जी, ये उसकी तारीफ है। बिल्कुल, प्रोग्राम आपका, लेकिन तस्करा बात तो करनी पड़ती है। नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं, जावेद याद की बात की तो मैं जरा, अगर आप बना सकते हो आपको बुरा तो नहीं लग रहा। नहीं नहीं नहीं, तो मेरा भी दोस्त है, मेरा भाई है। तो जनाब नईम साहब, मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, नेशनल न्यूज चैनल की तरफ से, कि आप आए, हमें कीमती वक्त दिया, अच्छी बातें बताई हमारे कारीन को, हमें मुझ जैसे नाचीज को कुछ सीखने का मौका मिला। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब आप हमें इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।